हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल सलाम और आपका वेलकम है नेरसेट कोना चैनल में। आज मैं डिस्कस करूंगा क्लाइमेटोलॉजी एमसीक्यूज, मतलब यहां पर हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो क्लाइमेटोलॉजी पेपर से पूछा गया था। और यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल 15 क्वेश्चंस जो दिसंबर 2019 और जून 2019 में पूछा गया था। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो क्वेश्चन नंबर वन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन फॉर AW इन कुपेन्स वर्ल्ड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन इज करेक्ट। यहाँ पर पूछा गया कौन सा ऐसा क्लाइमेट है जो AW को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, इन द कुपेन्स वर्ल्ड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। तो AW स्टैंड फॉर नंबर 4 ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ट्रॉपिकल सावाना क्लाइमेट। ओके, देखिए ये स्टैंड फॉर ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, इट मीन्स नो विंटर, विंटर सीजन नहीं रहता है इस यहाँ पर। वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल यहाँ पर कौन सा वेदर रहता है, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन रहता है, ठीक है, एंड टेम्परेचर रहता है अबव 18 डिग्री सेंटीग्रेड। और देखिए यहाँ पर जो कैपिटल ए था, इसमें देखिए दो सिंबल है, कैपिटल ए और स्मॉल डब्लू। तो स्मॉल डब्लू मीन्स ड्राई सीजन इन विंटर, ओके, एंड AW स्टैंड्स फॉर ट्रॉपिकल सावाना क्लाइमेट। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिड लैटिट्यूड साइक्लोन। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा फैक्टर, ठीक है, कौन सा टर्म ऐसा है जो मिड लैटिट्यूड साइक्लोन फॉर्म होने में, मतलब क्रिएट होने में मदद करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर पे है प्रेशर ग्रेडियंट जोन, बी है कोरोलिस फोर्स एंड सी है सरफेस फ्रिक्शन। तो इसका जो आंसर है नंबर 4 ABC, तीनों मदद करता है मिड लैटिट्यूड साइक्लोन फॉर्मेशन होने में। मिड लैटिट्यूड साइक्लोन आल्सो नोन एज टेम्परेट साइक्लोन, ओके, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन को टेम्परेट साइक्लोन भी बोला जाता है। यहाँ पर देखिए मिड लैटिट्यूड साइक्लोन सर डिप्रेशन ट्रॉप्स आर एटमोस्फेरिक डिस्टर्बेंसेज हैविंग लो प्रेशर इन द सेंटर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर आउटवर्ड। सेंटर पर लो प्रेशर रहता है और आउटवर्ड पे प्रेशर जो है इंक्रीज होता रहता है, मतलब हाई प्रेशर रहता है। देखिए मिड लैटिट्यूड साइक्लोन फॉर्म होता है बिटवीन द 35 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड बोथ नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर, ओके, ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ टू कंट्रास्टिंग एयर मासेस, फॉर एग्जाम्पल वार्म मॉइस्ट लाइट एयर मास एंड कोल्ड एंड डेंस कोल्ड एयर मास। ओके, वार्म एयर मास एंड कोल्ड एयर मास दोनों जब कन्वर्ज होता है तब मिड लैटिट्यूड साइक्लोन क्रिएट होता है। कहाँ पर होता है, बोथ द हेमिस्फीयर बिटवीन द 35 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड। ओके, यहाँ पर देखें पोलर फ्रंट्स क्रिएटेड ड्यू टू दीज टू अपोजिंग एयर मासेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। इसका वर्टिकल एक्सटेंड देखिए 10 से 12 किमी, ठीक है, वर्टिकल एक्सटेंड 10 से 12 किमी, ठीक है, वेलोसिटी देखिए 37 से 48 किमी पर आवर वेलोसिटी रहता है। और जब ये टेम्परेट साइक्लोन क्रिएट होता है, ठीक है, होने के बाद ये ईस्टर्ली डायरेक्शन में मूव होता है, ठीक है, और ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली विंड्स, वेस्टर्ली विंड की वजह से ईस्टर्ली डायरेक्शन की तरफ मूव होता है और मिड लैटिट्यूड का जो वेदर कंडीशन वो कंट्रोल करता है टेम्परेट साइक्लोन, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन। ओके, और इसके वजह से मिड लैटिट्यूड साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन जो भी कहिए, इसके वजह से हम लोग जो इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न साइड, ओके, जम्मू कश्मीर ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, UP, ठीक है, ये सब जगह पे आपको विंटर में रेनफॉल मिलता है जनवरी फरवरी की जो महीने रहता है उस टाइम,
ठीक है, ड्यू टू दी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और टेम्परेट साइक्लोन। ओके, इसके वजह से हम लोग को विंटर में रेनफॉल मिलता है। सो क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर द बेसिस ऑफ फुजिटा स्केल फॉर क्लासिफाइंग टोर्नेडोज। इनमें से कौन सा ऐसा है, ठीक है, ऑप्शन ऐसा पैरामीटर है, सॉरी, इनमें से कौन सा पैरामीटर ऐसा है जो बेसिस है, ठीक है, जिसके ऊपर बेस करके फुजिटा स्केल में हम लोग टोर्नेडोज को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, बी बी पर देखिए टेम्परेचर ग्रेडियंट ग्रेडियंट, सी विंड स्पीड, डी रिलेटेड प्रॉपर्टी डैमेजेस। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी एंड डी, सी डी देखिए थ्री पे है, विंड स्पीड एंड रिलेटेड प्रॉपर्टी डैमेजेस, ये दोनों पैरामीटर के ऊपर बेसिस करके हम लोग टोर्नेडो क्लासीफाई करते हैं। ओके, बेस्ड प्राइमरीली ऑन द डैमेज टॉर्नेडोज इन्फ्लिक्ट ऑन ह्यूमन बिल्ड स्ट्रक्चर्स एंड वेजिटेशन। यहाँ पर देखिए इसका जो छः क्लासिफिकेशन है और डैमेज है, विंड स्पीड है, यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए रेटिंग EF0 जो इसका जो फर्स्ट रेटिंग है, इसका विंड स्पीड जो रहता है लेस देन 73। ओके, 73 माइल पर आवर। ओके, इसको जब ये विंड स्पीड रहता है 73 तब डैमेज होता है माइनर। ओके, देन देखिए रेटिंग F1, इसमें जो विंड स्पीड रहता है 73 to 112, और इसका डैमेज मॉडरेट रहता है। इस पे थर्ड देखिए F2, इसमें आपका विंड स्पीड 113 to 157, कॉन्सिडरेबल डैमेज रहता है, मतलब इसमें डैमेज थोड़ा होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। और देखिए फोर्थ नंबर रेटिंग F3, इनमें जो स्पीड रहता है 158 to 206, इसमें डैमेज देखिए सीवियर डैमेज, मतलब अच्छा खासा डैमेज होता है इसमें। और नंबर फाइव रेटिंग देखिए F4, इसमें रहता है विंड स्पीड 207 to 268, एक्सट्रीम डैमेज होता है। ओके, और लास्ट में देखिए F5, इसमें विंड स्पीड रहता है 260 ऑन प्लस, और डैमेज देखिए कंप्लीट डिवास्टेशन, बहुत ही खतरनाक डैमेज करता है इसमें लास्ट में। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड मास रिकॉर्डेड वर्ल्ड्स लोएस्ट एयर टेम्परेचर -89 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन जुलाई 21, 1983। यहाँ पर पूछा गया कौन सा लैंड लैंडमार्क ऐसा है जिसमें हम लोग जो है वर्ल्ड का लोएस्ट टेम्परेचर मेजर किया था 89 डिग्री, -89 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, वो 1983 में जुलाई 21। ओके, तो इसका जो आंसर है नंबर वन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में हम लोग सबसे कम टेम्परेचर मेजर किया था। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदर इंस्ट्रूमेंट्स इज केप्ट आउटसाइड द स्टीवेंसन स्क्रीन। देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर पूछा गया कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो स्टीवेंसन स्क्रीन में हम लोग नहीं रखते हैं, उससे बाहर रखते हैं, मतलब इस स्क्रीन में हम लोग यूज नहीं करते हैं स्टीवन स्क्रीन में। तो इसमें जो इसका जो आंसर है वो एनीमोमीटर होगा। ओके, इसमें ये जो स्क्रीन है इसमें हम लोग बैरोमीटर, हाइड्रोग्राफ, देन थर्मोमीटर, मैक्सिमम मिनिमम सब यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए इस स्लाइड आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर सब कुछ लिखा है कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, क्यों होता है, क्या यूजेस है, सब लिखा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का नाम भी लिखा है कौन सा यूज होता है, हाइग्रोमीटर, साइक्रोमीटर, ड्यूसेल, बैरोमीटर, थर्मोग्राफ। ओके, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, यहाँ पर पूछा गया है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, चारों स्टेटमेंट यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सॉरी स्टेटमेंट नंबर वन, ए देयर आर न्यूमरस फॉर्म्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन व्हिच वेरी इन शेप, साइज, वेलोसिटी एंड वेदर कंडीशन। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रॉपिकल साइक्लोन वेरी करता है शेप, साइज, वेलोसिटी, वेदर कंडीशन सब में। ठीक है,
बी देख लेते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बिकम्स मोर विगोरस एंड मूव वेरी हाई वेलोसिटी ओवर साइक्लोन सॉरी ओवर ओशियन। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ओशियन के ऊपर साइक्लोन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिएट होता है, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जब क्रिएट होता है विंड स्पीड सॉरी साइक्लोन का स्पीड यहाँ पर ओशियन पे समुद्र के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्पीड रहता है। अभी हाल ही में जो अम्फान साइक्लोन आया, ओके, तो बे ऑफ बंगाल में 200 प्लस स्पीड था, ठीक है, पर आवर, तो इसलिए इसको सुपर साइक्लोन बोला गया। जब फिर लैंड की तरफ आया, ठीक है, जब हिट किया कोस्टल एरिया में, तब उसका जो स्पीड था वो 180 किमी पर आवर था, ओके। फिर जब लैंड की तरफ अंदर चला आया तब स्पीड कम होते होते बहुत कम हो गया। देखिए जब कम आया अंदर आया 100 हुआ, फिर और दूर गया लैंड सॉरी कोस्टल एरिया से 50 हुआ, ऐसा करके ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो मेन जो मुद्दा है, ओशियन पे स्पीड सबसे ज़्यादा रहता है और लैंड की तरफ कम स्पीड होता है, ओके। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज करेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ओके, ये दोनों करेक्ट था और ये इनकरेक्ट हो गया। लास्ट में देख लेते हैं, द ट्रैक्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर सिमिलर इन डिफरेंट पार्ट्स। ये भी इनकरेक्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए बी देखिए कहाँ पर है, नंबर थ्री पे है, तो इसका आंसर हो गया ए बी, दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री। यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में हमने थोड़ा डेफिनेशन वगैरह करेक्टरिस्टिक्स हमने दे दिया, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन को कहाँ पर कौन सा नाम में जाना जाता है। तो देखिए हरिकेन्स नॉर्थ अमेरिका में बोला जाता है, यूएसए की यूएसए स्टेट के उधर, ओके, एंड टाइफून्स बोला जाता है चाइना में, एंड टाइफू जापान, विली विलीज ऑस्ट्रेलिया, एंड सिंपली साइक्लोन इन इंडिया। एशिया पे अगर साउथ एशिया इधर ही हम लोग साइक्लोन के नाम पे हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, टिपिकली द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एनुअली ऑकर ड्यूरिंग, कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन सबसे ज़्यादा क्रिएट होता है, ठीक है, एनुअली। तो यहाँ पर देखिए जून 1 से लेकर जो नवंबर 30, ये जो टाइम पीरियड है ये सबसे ज़्यादा फेवरेबल टाइम पीरियड है ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑकर होने में, क्योंकि इसमें आपका जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिएट होने में, यहाँ इस टाइम पीरियड में मिलता है। क्योंकि देखिए टेम्परेचर प्रेशर सब, देखिए टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, प्रेशर लो हो जाता है इस महीने में टाइम पीरियड में, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है, इनकरेक्ट मतलब फॉल्स है स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं, ये नंबर, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स की इन्फ्लुएंस पे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये करेक्ट है, ठीक है। बी, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नॉट ए डिजास्ट्रस हजार्ड इन ट्रॉपिकल रीजन्स, ये इनकरेक्ट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है नॉट ए डिजास्ट्रस, लेकिन ये खतरनाक डिजास्ट्रस तो है, खतरनाक बहुत खतरनाक ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, ओके, तो ये फॉल्स हो गया। देखते हैं और सी, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल साइक्लोन यूजुअली डेवलप इन द विसिनिटी ऑफ ITCZ, मतलब ITCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली इस ये जो एरिया है ITCZ इसके ही विसिनिटी में क्रिएट होता है, ये करेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग को मिला है 2 करेक्ट और 1 इनकरेक्ट। देखिए डी देख लेते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बिकम वीक एंड फेबल ड्यूरिंग मूविंग ओवर द लैंड एरियाज। हमने पिछले 6 नंबर जो क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें ही हमने बताया कि जब ओशियन से, ठीक है, ओशियन ये सब उसके लिए ओशियन है और यहाँ पर ये लैंड है, ओशियन से जब हम लोग लैंड की तरफ मतलब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव करेगा, हमने अभी बताया कि इसका जो स्पीड है विंड स्पीड ट्रॉपिकल साइक्लोन वो कम होता जाता है, ठीक है, ट्रॉपिकल विंड स्पीड कम होता है और ट्रॉपिकल साइक्लोन भी वीक हो जाता है, ठीक है, फेबल होता है। तो
देखिए हम लोग को तीन आंसर जो है स्टेटमेंट जो है करेक्ट मिला, सॉरी ए सी एंड डी मिला करेक्ट, और क्या कहते हैं बी हम लोग को मिला इनकरेक्ट। देखिए ओनली बी टू टू इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच वन ऑफ द स्केल्स फॉर ऑफ मेजरमेंट रिफर्स टू टोर्नेडो सेवियरिटी एंड डैमेजेस। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा ऐसा स्केल है जो हम लोग मेजर करते हैं टोर्नेडो सेवेरिटी एंड डैमेज। अभी हमने डिस्कस किया पिछले क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। देखिए फुजिटा स्केल, यहाँ पर तो आंसर भी दे दिया गलती से। देखिए फुजिटा स्केल हम लोग यूज करते हैं। ओके देखिए सफिर सिम्पसन स्केल, ये जो यूज करते हैं हम लोग हैरिकन मेजर करने के लिए। बीफोर्ड स्केल आप लोगों को पता होगा, बीफोर्ड स्केल हम लोग यूज करते हैं, यूज होता है विंड स्पीड। एंड फुजिटा स्केल स्केल यूज होता है टोर्नेडो मेजर करने के लिए एंड रिक्टर अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एयर मास कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा, यहाँ पर देखिए तीन चार स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट के अंदर कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ठीक है हम लोग को चूज करना होगा। तो ये नंबर स्टेटमेंट देखते हैं, द यान एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ एयर, ये करेक्ट है, एयर मास एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ एयर ही रहता है। और बी फेयरली होमोजेनियस फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज होमोजेनियस होता है। सी एसोसिएटेड विथ लाइट डाइवर्जेंट विंड्स, लाइट डाइवर्जेंट विंड्स यहाँ पर मिलते हैं हम लोगों को एयर मास कैरेक्टरिस्टिक्स में। और एसोसिएटेड विद कन्वर्जेंट जोन्स, विद द कन्वर्जेंस जोन्स, कन्वर्जेंस जोन्स नहीं रहता है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर है देखिए ए बी सी, ए बी सी देखिए कौन सा कहाँ पर है, ए बी सी नंबर 4, नंबर 4 इज द करेक्ट। तो इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ईयर मास एंड ईयर करेक्टरिस्टिक्स, ईयर मास क्या है किसने दिया है, देखिए वी वेजरकन्स एंड जे वेजरकन्स ने दिया है ये कॉन्सेप्ट, मेट्रोलॉजिस्ट है एमिनेंट। और प्रॉपर्टीज वगैरह यहाँ पर दे रखे हैं, आप लोग लिख ली कॉपी में लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ हीट आइलैंड्स, अर्बन हीट आइलैंड्स, अर्बन हीट आइलैंड क्रिएट होने में, फॉर्मेशन होने में कौन सा मतलब इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाई विंड स्पीड, नंबर 2 एटमोस्फेरिक पोल्यूशन, सिटी बिल्डिंग, नंबर 4 सेंट्रल हीटिंग सिस्टम ऑफ सिटीज। तो इनमें से जो है इसका जो आंसर होगा, ठीक है, ये हाई विंड स्पीड, हाई विंड स्पीड कभी भी हेल्प नहीं करेगा एक अर्बन हीट आइलैंड क्रिएट होने में, ठीक है। एटमोस्फेरिक पोल्यूशन, सिटी बिल्डिंग, देखिए आप लोग देख सकते हैं सिटी एरिया में, ठीक है, बिल्डिंग क्रिएट होते ही जा रहा है, ठीक है, ड्यू टू दी इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज हो रहा है, रहने का जगह चाहिए इसलिए सिटी स्प्रेड हो रहा है, प्लस बिल्डिंग भी स्प्रेड हो रहा है। और सिटी का जो हीटिंग सिस्टम है वो तो ऑब्वियसली उसको हीट करेगा ही करेगा। यहाँ पर अच्छे से हमने लिख रखे हैं अर्बन हीट आइलैंड के ऊपर, तो आप कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वेयर अमेंडमेंट्स टू द क्योटो प्रोटोकॉल एडोप्टेड। क्योटो प्रोटोकॉल का जो अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, कौन सा जगह में, ठीक है, यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिए हैं और वो क्योटो प्रोटोकॉल एडोप्ट भी हुआ था वो अमेंडमेंट, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो है दोहा, दोहा अमेंडमेंट। तो यहाँ पर हमने पूरा डिस्कस किए हैं कि दोहा कहाँ पर है, देखिए किसका सिटी है, कैपिटल है कतार का, और लोकेशन देखिए पर्शियन गल्फ की बगल में, मतलब एडजेसेंट एरिया है देखिए कतार, ठीक है, पर्शियन गल्फ में है, लोकेशन तो बहुत अच्छा है गल्फ का, सॉरी दोहा का। और यहाँ पर देख सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, 1997 में क्योटो जापान, जापान में ये क्रिएट हुआ था, एडॉप्ट किया गया था। इसका जो मेन टारगेट था ग्रीन हाउस गैस को एमिशन को रिडक्शन मतलब कम करने के लिए, मतलब ये आया था क्योटो प्रोटोकॉल। और 6 मेजर जो कार्बन एमिशन ग्रीन हाउस गैस था, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रियस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इस 6 आप ग्रीन हाउस गैस जो था उसको रिडक्शन करने के लिए आया था। और ये केम इंटू फोर्स हुआ था 2005 में। फास्ट जो कमिटमेंट पीरियड था इसका 2008 टू 12, ठीक है, 2008 टू 12 इसका टाइम फास्ट कमिटमेंट पीरियड था, कि इसमें जो कंट्रीज साइन किया था, मेंबर कंट्रीज था
बोला गया था कि फाइव एटलीस्ट 5% ठीक है ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करना है ठीक है। और जो सेकेंड में सेकेंड कमिटमेंट आया था देखिए वो आया था 2012 में दोहा अमेंडमेंट ठीक है, दोहा में ये वो आता और इसका जो टाइम पीरियड था 2013 टू 2020 ओके। इसमें बोला गया है एटलीस्ट मतलब डिसाइड किया गया था ग्रीन हाउस गैस 18% ग्रीन हाउस गैस को 18% तक आपको मतलब कम करना है ओके। तो आप कॉपी में यहाँ इसको लिख सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड क्या था, कौन सा कंट्रीज था ठीक है लिख सकते हैं आप, सेकेंड कमिटमेंट लिख सकते हैं सेम जो ये जो दोहा जो कंसेप्ट आया था वो सेकेंड कमिटमेंट पीरियड में ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्फेसेस प्रोड्यूसेस मैक्सिमम अल्बेडो, कौन सा सरफेस ऐसा है जो सबसे ज़्यादा अल्बेडो प्रोड्यूस करता है। देखिए नंबर वन फ्रेश स्नो कवर, स्नो ही सबसे ज़्यादा आपका अल्बेडो क्रिएट करता है ओके। ये जून 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन, यहाँ पर हमने अल्बेडो के बारे में डिस्कस करके रखे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अल्बेडो क्या है। अल्बेडो देखिए द रेशियो बिटवीन द टोटल सोलर रेडिएशन फॉलिंग अपॉन द सरफेस, जो सन से सोलर रेडिएशन आ रहा है यहाँ पर या गिरने की बात कर रहा है जो फॉल हो रहा है ऑन द सरफेस एंड द अमाउंट रिफ्लेक्टेड, और जितना अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है इसका रेशियो को ही हम लोग अल्बेडो बोलते हैं ठीक है। अल्बेडो रिप्रेजेंट होता है परसेंटेज में और अर्थ का एवरेज अल्बेडो 35% है आप लिख सकते हैं कॉपी में, और सबसे लोएस्ट लोएस्ट अल्बेडो है डार्क सोयल का ठीक है, ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है ठीक है सन रेडिएशन को, ये एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करता है ओके। इसलिए आपका डार्क सोयल का जो है ये है क्या कहते हैं अल्बेडो है कम होता है। एंड हाईएस्ट देखिए स्नोफॉल इस टेबल पे कितना, देखिए सरफेस और अल्बेडो दोनों का ही लिखा है, देखिए फ्रेश स्नो इसका जो अल्बेडो है 80-90% अल्बेडो होता है, डिजार्ड का देखिए 35-45%, ग्रासेस का 26, क्रॉप्स 15% एंड कंक्रीट जो ब्रिक कंक्रीट होता है 10-20% अल्बेडो। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर दो लिस्ट दिए गए हैं, लिस्ट वन में है लोकल विंड्स, लिस्ट टू में कंट्रीज, तो हम लोग को मैच रहना होगा। देखिए ये नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर ये विंड जो है न्यूजीलैंड में ठीक है जाना जाता है, ब्लो होता है नॉर्वेस्टर मतलब न्यूजीलैंड में, और एमओ एमओ होता है जापान में ब्लो ठीक है, इसमें बहता है जापान में बहता है, और फोएन आप लोगों को पता है इस स्विट्जरलैंड है ठीक है इन द लीवर्ड साइड ऑफ द आल्प्स, एंड द चीनो ये भी पता होगा आपको रॉकीज माउंटेन के लीवर्ड साइड मिलता है ये और यूएसए में ठीक है। यहाँ पर हमने लिख भी दिए हैं ठीक है, और ये जो लोकल विंड्स दिया गया है ये सब वार्म एंड ड्राई विंड है ठीक है। लास्ट बट द नॉट द लीस्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ थॉर्नवेड्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा बेसिस था थॉर्नवेड्स का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किया था क्लाइमेट के ऊपर किसके ऊपर बेस करके, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर वन प्रिसिपिटेशन इफेक्टिवनेस एंड थर्मल एफिशिएंसी, इसके ऊपर बेसिस करके ही थॉर्नवेड्स ने क्लाइमेट को क्लासिफाइड किया था। सो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है इस लेक्चर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। We'll be right back.